अच्छा जी, अब हम यहाँ थे कि ये जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है फॉर आवर सेल्व्स, वो व्हाट डज दिस लीड टू, उसकी वजह से सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में, मुल्क में, ठीक है ना, ओवरऑल इन द इकोसिस्टम क्या इफेक्ट्स होते हैं बताएं। वो इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स के इफेक्ट्स भी हो सकते हैं बताएं। एनी इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, ठीक है, माइंडसेट के बारे में लोगों का शॉर्ट टर्म माइंड सेट, ओके, कि हाँ यार ये यहाँ से चैनल में मिल गया, आराम से बैठे हुए कुछ पैसे, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस लीड्स टू दिस, ओके ठीक है, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, लॉस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ठीक है, क्राइम रेट्स इंक्रीज, लॉस्ट कॉन्फिडेंस, हाँ, और ये क्राइम रेट एग्जैक्टली, ठीक है, तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज आर नॉट इन्वॉल्वड इन द मैनेजमेंट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स, ओके, नहीं वो इसकी वजह है, yes. और इसकी कॉज है, कॉज है, नहीं, बट वी आर नॉट डूइंग कॉजेस, यस, वी आर डूइंग इफेक्ट्स। अच्छा, एक जो की लेसन विच यू माइट हैव रियलाइज बाय नाउ इज, बस कुछ लोग कहते हैं कि यार तू थोड़ा सा वो ना वो इधर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके तो ले आना, थोड़ा सा राइट अप लिख के तो ले आना, तो फिर कर दें कॉन्सेप्ट पेपर। No, it is a totally participatory process. अगर आपकी सारी टीम ने मिलके पहले ये काम नहीं किया और यो आप कह रहे हैं किसी को ड्राफ्ट करो, तो that is a dummy and sham process in identifying your business case. समझा? It is a highly participatory process. आप ठीक participate करेंगे और brainstorm करेंगे और अपने ideas लिखेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा ये दो idea तो मैं same ही बात करूँ, इनको merge कर लेता हूँ, तो आपको पता चलेगा ये दो तीन हैं चीजें, और आपको ये पता चलेगा कि इनकी ये कॉजेज भी हैं और इफेक्ट्स भी हैं, एंड इट हैपेंस, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर वीशियस सर्कल्स, वो कॉजेज भी हैं, इफेक्ट्स भी हैं। बाज़ आप इफेक्ट्स को इफेक्ट्स में नहीं लिखते, कॉजेज में लिख देते हैं, और बाज़ करते हुए पता नहीं 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 ये कॉज एक मैं भूल गया हूं, तो इट इज नॉट दैट लीनियर, लेकिन जनरली यही है। ट्राई टू राइट डाउन योर ऑडियंस, और उसके बाद आप उसके क्या मसाइल आप हल कर रहे हैं, उसकी कॉजेज क्या हैं, सारी लिखें, इस तरह लिखें कि ये थिंक इन दीज टर्म्स, इफ दीज आर एड्रेस्ड विल दिस इश्यू वैनिश। ठीक है ना, मेरे पास साइकिल की सारी चीजें हैं, मैं बनाऊंगा तो साइकिल बन जाएगा। इज इट इट कि अगर ये काज ना होगी, ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो विल द इश्यू रिजॉल्व, या फिर मेरे बंदे की कोई ट्रेनिंग के मसाइल हैं। सिस्टम तो कहते हैं ना, सिस्टम इज पॉलिसी, प्रोसेस, पीपल एंड प्लेटफॉर्म। हो सकता है प्रोसेस घटिया हो और वो ही इतना टाइम देता हो सकता है पॉलिसी ठीक ना हो, ठीक है, या ट्रांसपेरेंट ना हो, प्रोसेस एफिशिएंट ना हो, हो सकता है आपके बंदे जो आपकी टीम है वो ही इतनी इज नॉट फिट फॉर द जॉब, वो कस्टमर की बात को ही पूरी तरह अप्रिसिएट नहीं कर रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रही। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी बात क्या होती है, लिसनिंग, दे डोंट अंडरस्टैंड द कस्टमर, उसकी रिक्वायरमेंट को सही आप समझे ही नहीं है कि यार वो किस, उसका परसाना क्या है, वो असल में क्या ढूंढ रहा है। यू डोंट आस्क द राइट क्वेश्चंस टू द कस्टमर टू फाइंड आउट द रियल नीड्स। बाद को कस्टमर भी अपनी नीड नहीं बता सकता, तो आपका बंदा ठीक नहीं है तो आपने कस्टमर को सही समझा भी नहीं है ना, वो किसी और के पास जाएगा तो वो जरा मंझा हुआ है, तो वो कस्टमर की सही नीड समझ जाएगा, अंदर की दिल की बात की, यार असल में ये इसका मसला ये है कि ये बेटे की शादी करना चाहता है और उसके लिए ये 3-4 साल के लिए एक उसका एक प्लान है कि कोई घर भी बन जाएगा और प्लान, और आप उस सरफेस लेवल पे देख रहे हो, कह रहे हैं एक अपार्टमेंट चाहिए उसे, राइट, एज सून एज यू ट्राई टू फाइंड आउट प्रॉब्लम्स उसके शूज में आके, ये आसान नहीं है, उसके शूज में आने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू अंडरस्टैंड हिज इमोशंस। आपको अगर इमोशंस पता ही नहीं है इमोशंस क्या होते हैं, अपने इमोशंस का आपको नहीं पता कि मैं इस वक्त गिल्टी फील कर रहा हूँ या गुस्से में हूँ या क्या हूँ, तो आप उसके इमोशंस क्या करते हैं, दैट्स वेयर योर एम्पैथी थिंग कम्स इन, इमोशन चाहिए। ईआई आपकी नहीं है तो आप कस्टमर से कनेक्ट नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ योर पॉलिटिशियंस आर इंटेलेक्चुअली स्टूपिड एंड ईआई दे आर वेरी गुड। नवाज शरीफ की कौन सी आईक्यू होगी, लेकिन नवाज शरीफ की इमोशनल इंटेलिजेंस तो बहुत ही अच्छी होगी, ही कैन कनेक्ट वेल द वे ही हैज टू कनेक्ट। मैं एक एनालॉजी के तौर पर कह रहा हूँ, ठीक है, तो आपको हो सकता है आईक्यू और नॉलेज के अलावा ईक्यू का एलिमेंट कनेक्टिंग टू एंड अंडरस्टैंडिंग हिज रियल नीड व्हाई ही इज डूइंग इट इज मोर इंपॉर्टेंट।
क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बताया था ना नज इकोनॉमिस्ट और सेलर्स वो प्लानर्स नीड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी मोर देन एनीथिंग. इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी. व्हाट डू आई वांट टू, व्हाई आई वांट टू बाय दिस एंड व्हाई आई वांट टू होल्ड दिस फॉर अ व्हाइल. तो वो सारी चीजें ठीक है ना. तो ये आपने थोरली करना है इन ए पार्टिसिपेटरी फैशन वेयर ऑल योर टीम मेंबर्स पार्टिसिपेट. इफ नन ऑफ द इफ वन ऑफ देम इज मिसिंग वेट फॉर हिम इंक्लूड हिम. ये इंक्लूसिव नहीं है तो इट्स मीनिंगलेस. इफ इट्स नॉट इंक्लूसिव इट्स मीनिंगलेस. ठीक हो गया. यस वी आर कमिंग नाउ टू द नेक्स्ट पार्ट. बंद करें. अच्छा अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ये है कि इसको आप चला दें. ओके इसको हम टॉगल करेंगे. यू विल मेक अनदर पेज या इस पर आप करेंगे और कहेंगे कि इफ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड हाउ द सिचुएशन विल लुक लाइक. हाउ द सिचुएशन विल लुक लाइक वो आप मसला आप कहते हैं कि आपने कहा था ना कि ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स विच गिविंग द राइट चॉइसेस इन्वेस्टर या बायर की नीड को समझ के उसको पूरी इंफॉर्मेशन दें और उसे वो चॉइसेस आर्टिकुलेट करके दें कि जी ये आपके लिए इसलिए ज्यादा अच्छा है लेकिन इसमें थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा बट इवेंचुअली यू बेनिफिट इसमें ये मतलब यू आर्टिकुलेट दोस चॉइसेस. वो कोई बताता नहीं है और ऑथेंटिक नहीं है. यू नेवर नो कि अंडर हैंड वो जमीन उसकी है भी कि नहीं है या वट एवर. कंप्लीट इंफॉर्मेशन टाइमली इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग हिज नीड्स एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल रही होगी एक प्लेटफॉर्म से. ये आपका हो गया ना. इसको टॉगल करें. ठीक टॉगल दिस.